हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं मार्केशिया के थैलस के बारे में। इस वीडियो को मैंने अलग अलग पार्ट्स में बनाया है। सबसे पहले पार्ट्स में हम बात करेंगे मार्केशिया के गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केशिया के जनरल फीचर की बात करें, उससे पहले मार्केशिया के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो मार्केशिया क्लास हिपेटिकोप्सिडा का मेंबर है, ऑर्डर मार्केशियल्स के अंदर आता है और इसकी फैमिली है मार्केशियसी। मार्केशिया की स्पीसीज देखें तो मार्केशिया की लगभग 65 स्पीसीज वर्ल्ड में मिलती हैं और जिसमें से इंडिया में लगभग 11 स्पीसीज पाई जाती हैं। मार्केशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केशिया पालमेटा और मार्केशिया सिमलाना ये वो स्पीसीज हैं जो इंडिया में मिलती हैं। मार्केशिया सिमलाना और मार्केशिया नेपालेंसिस इंडिया के लिए एग्जॉटिक हैं। ये स्पीसीज़ बाहर से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई हैं और इंडिया की नेटिव स्पीसीज़ नहीं थी। मार्केशिया के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हिमालयन रेंज में फरवरी से दिसंबर के बीच में और अक्टूबर से नवंबर के बीच में साउदर्न हिल्स में देखे जा सकते हैं। गैमेटोफिटिक फेज जो इसकी लाइफ साइकिल की डोमिनेंट फेज है, इसीलिए पहले पार्ट में हम गैमेटोफिटिक फेज की बात कर रहे हैं। गैमेटोफाइट जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर इसका डॉर्सल व्यू है और ये वाला स्ट्रक्चर इसका वेंट्रल व्यू है, यानी कि ऊपर से आप देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा और अगर इसको उठाकर इसके नीचे से देखेंगे तो आपको ये पार्ट दिखाई देगा। मार्केशिया प्रोस्टेट होता है, यानी कि जमीन पर फैला हुआ रहता है। डॉर्सीवेंट्रल है, इसमें एक डॉर्सल और एक वेंट्रल सरफेस होती है। डाइकोटमस ब्रांचिंग है, यहाँ पर देखिए तो एक ये ब्रांच गई हुई है, दूसरी ब्रांच ये है, ये ब्रांच आगे जाके फिर दो में डिवाइड हुई है। जब ऐसा कोई सिस्टम होता है तो उसको हम डाइकोटमस ब्रांचिंग सिस्टम कहते हैं। ब्रांचेस के बीच में मिडरिप प्रेजेंट होती है, यहाँ पर आप मिडरिप देख सकते हैं, ये मिडरिप है। इसी मिडरिप पर गैमा कप मिलता है। मार्केशिया के थैलस पर अगर हम गौर से देखें तो हमें रोम्बॉइडल एरिया दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको ये देखिए, इस टाइप के आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ये रोम्बॉइडल एरिया हैं। ये इसके थैलस पर प्रेजेंट होते हैं, पॉलीगोनल या रोम्बॉइडल एरियाज होते हैं। पॉलीगोनल रोम्बॉइडल एरिया जो होते हैं वो एयर चैम्बर को शो करते हैं, यानी कि जो मार्केशिया के थैलस के अंदर जो एयर चैम्बर्स मिलेंगे उनको बाहर से इन पॉलीगोनल रोम्बॉइडल एरिया के थ्रू देखा जा सकता है। एयर चैम्बर्स एक एयर पोर जो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहे हैं उनके थ्रू एयर चैम्बर्स ओपनिंग होती है। मार्केशिया के डॉर्सल सरफेस पे देखें तो मिडरिप पर ही गैमा कप मिलता है। गैमा कप जो होते हैं वो क्रिसेंट शेप होते हैं, यहाँ पर गैमा कप का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये ऐसे मून शेप में होता है, हाफ मून शेप स्ट्रक्चर में, तो ये एक कप लाइक शेप स्ट्रक्चर है जिसके मार्जिन फ्रिंज मार्जिन होते हैं, स्पाइनी भी हो सकते हैं। इनके अंदर गैमी मिलते हैं, गैमी एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मार्केशिया के थैलस पर एपिकल नॉच भी मिलती है, ये आपको एपिकल नॉच दिख रही है, नॉच माने गड्ढा, जो यहाँ पर एपेक्स के बीच में आपको गड्ढा मिलेगा। वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस पे मार्केशिया के मिडरिप पोर्शन पर ही स्केल्स और राइजॉइड मिलते हैं। मिडरिप पोर्शन पर राइजॉइड मिलेंगे, उनके दोनों तरफ रोज में राइजॉइड के साथ में स्केल्स भी मिलते हैं। स्केल्स जो होते हैं वो एंथोसाइनिन प्रेजेंट होने की वजह से वायलेट कलर के दिखाई देते हैं। राइजॉइड स्केल को अगर हम अलग से समझें तो राइजॉइड जो हैं वो वाटर के एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिशन की अपटेक में हेल्प करते हैं। मेनली ट्यूबरकुलेटेड वाले राइजॉइड ये फंक्शन करते हैं। ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ डोट टाइप के राइजॉइड यहाँ पर मिलेंगे। स्मूथ राइजॉइड में जो इसकी आउटर वॉल होगी और जो इनर वॉल होगी, दोनों वॉल स्मूथ होंगी, और जो ट्यूबरकुलेटेड हैं उसमें आउटर वॉल तो स्मूथ होगी लेकिन इनर वॉल में पैग लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे। ये यहाँ पर पैग लाइक प्रोजेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये पैग लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं इसमें, इसकी इनर वॉल में। स्केल्स की बात करें तो स्केल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और वन सेल थिकनिंग होती है, यानी कि इनकी जो थिकनिंग मोटाई होगी स्केल्स की, यहाँ पर स्केल्स आप देख सकते हैं, स्केल्स की मोटाई वन सेल के जितनी मोटी होती है, लेकिन वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी सेल्स होंगी। पिंक वायलेट कलर का दिखाई देता है एंथोसाइनिन के प्रेजेंट होने की वजह से।
स्केल्स जो होते हैं वाटर को स्टोर करने में, वाटर के रिटेंशन में हेल्प करते हैं और ग्रोइंग पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। स्केल्स भी दो टाइप के होते हैं, अपेंडिकुलेट और लिग्युलेट। अपेंडिकुलेट अंदर की तरफ मिलता है और लिग्युलेट स्केल बाहर आउटर रोज में मिलते हैं। अपेंडिकुलेट स्केल में एक्स्ट्रा अपेंडेजेस मिलते हैं और लिग्युलेट स्केल में अपेंडेजेस नहीं मिलते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर एपिडर्मल, फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन, तीन रीजन में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एपिडर्मल रीजन की। एपिडर्मिस जो कि ऊपर की एक एपिडर्मिस होगी और एक लोअर एपिडर्मिस होगी, ये अपर एपिडर्मिस का पार्ट है और ये वाला जो है ये लोअर एपिडर्मिस है। तो अपर एपिडर्मिस को हम देखें तो अपर एपिडर्मिस पे रोम्बॉइडल एरियाज मिलते हैं जिन पर एयर चैम्बर्स मिलते हैं। एयर चैम्बर्स एयर पोर के थ्रू ओपनिंग रहती है। एयर पोर में जो साइड में सेल्स होती हैं उन सेल्स को हम सराउंडिंग सेल्स कहते हैं। ये सराउंडिंग सेल्स जो होती हैं 4 से 8 टायर्स की बनी हुई होती हैं। एक टायर में, सिंगल टायर में 4 से 5 रिंग ऑफ सेल्स तक मिलती हैं। एयर पोर की सराउंडिंग सेल्स जो होती हैं वो हाफ टायर्स जो होते हैं वो अप साइड में मिलेंगे और हाफ टायर्स लोअर साइड में मिलेंगे। जो पोर्स होते हैं, एयर पोर स्टोमेटा की तरह फंक्शन करता है लेकिन स्टोमेटा की तरह इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होती है। लोअर मोस्ट एपिडर्मिस पर राइजॉइड और स्केल्स मिलते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में बात करें सेकंड पार्ट की तो सेकंड पार्ट फोटोसिंथेटिक रीजन मिलता है। फोटोसिंथेटिक रीजन अपर एपिडर्मिस के नीचे जो एयर चैम्बर्स होते हैं उनमें मिलता है। इसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स मिलते हैं जो कि एयर चैम्बर की लोअर साइड से अराइज होते हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है जिससे कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट बात करें स्टोरेज रीजन की तो सबसे नीचे साइड में स्टोरेज रीजन मिलता है जो फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे होता है। स्टोरेज रीजन एक पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं मिलेगा। इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इनका फंक्शन स्टोरेज का होता है जिसमें स्टार्च और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में फूड स्टोर किया जाता है। इसके अलावा इसमें ऑयल और म्यूसिलेज सेल्स भी मिलती हैं। मार्केंशिया के गैमेटोफाइट पर ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। सेक्स ऑर्गन गैमेटोफोर्स के ऊपर लगे रहते हैं। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट मार्केंशिया में अलग अलग मिलेगा, इसीलिए मार्केंशिया के थैलस को हेट्रोथैलिक बोलते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट अलग अलग मिलेंगे। अगर मेल प्लांट है तो उसके ऊपर जो गैमेटोफोर्स होगा उसको हम एंथ्रीडियोफोर कहेंगे और फीमेल प्लांट है तो उसके गैमेटोफोर को हम आर्किगोनियोफोर कहेंगे। एंथ्रीडियोफोर के ऊपर एंथ्रीडिया और आर्किगोनियोफोर के ऊपर आर्किगोनिया अराइज होते हैं। थैंक यू। ये वीडियो मार्केंशिया के गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्केंशिया के रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।